का वो तो कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल के साथ, लेकिन अब इस पर काम आगे कैसे बढ़ेगा उसको लेकर आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने और उसकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के इस फैसले के बारे में कहा है कि इससे देश के लोगों को राहत ही मिलेगी और महामारी से लड़ने में ये कदम बेहद कारगर साबित होगा। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पीएम केयर में उपलब्ध फंड का बेहतरीन इस्तेमाल करके 551 ऑक्सीजन प्लांट तैयार करेगी और इस फैसले से देश के जिले स्तर पर ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री को इस फैसले के लिए साधुवाद कहता हूं। आशीष भी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, महाराष्ट्र के लिहाज से कितना बड़ा कदम होगा और महाराष्ट्र को कितनी बड़ी राहत होगी? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे सबसे ज्यादा बुरे हालात जो है वो महाराष्ट्र में है और खासकर मुंबई पर जो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, उन्हें वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे। ऐसे में इस कदम का स्वागत हर तरफ से किया जा रहा है। सरकार में जो मंत्री हैं, जो सूत्रों से हमारी बात हो रही है, उनका भी ये कहना है कि काफी स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं बांद्रा के बाबा अस्पताल में और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ करीब 10 ICU के बेड्स हैं और केवल 4 सिलेंडर्स इन्हें रोज के मिलते हैं। तो यहाँ के जो मरीज हैं उनका ये कहना है कि एक दिन उन्हें सिलेंडर मिलता है, एक दिन ऑक्सीजन मिलता है, तो दूसरे दिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऐसे में इस कदम का काफ़ी ज़्यादा स्वागत जो है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। गायत्री, आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के युवा नेता जिशान सिद्दीकी यहाँ पहुँचे हैं, जो अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुँचे। सर, ऑक्सीजन की मुंबई में जो किल्लत हो रही है, उसके बाद आज जो PM ने प्लांट्स का ऐलान किया है, घोषणा की है, 551 प्लांट्स अब होंगे जिससे ऑक्सीजन बन पाएगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऑक्सीजन की महाराष्ट्र में बहुत कमी है, सब जानते हैं, मुंबई में भी कमी है। पिछले हफ्ते ही बाबा हॉस्पिटल में इतनी कमी हो चुकी थी कि लोगों को शिफ्ट करना पड़ा, ICU के पेशेंट्स को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। इसलिए मैं आज आया था ऑक्सीजन देखने के लिए, तो मुझे कहा गया कि आज के लिए ऑक्सीजन काफ़ी है, कल के लिए आज शाम को आने वाला है। और मुझे लगता है कि अभी BMC ने भी एक रूल किया है कि नोडल ऑफिसर को आपको कहना है 24 घंटे पहले कि आपको कितना ऑक्सीजन लग सकता है। मगर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगा, हम उतनी ऑक्सीजन बेड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप बाबा हॉस्पिटल की बात करें भी, तो इधर बेड्स ऑक्सीजन की है, मगर ऑक्सीजन की कमी होने पर हम ज़्यादा बेड्स को यूज़ नहीं कर सकते। और ये स्थिति पूरी मुंबई में है। रात के 2-3 बजे भी हमें फ़ोन आता है कि सर, अब वेंटिलेटर है मगर ऑक्सीजन नहीं है, हमको 2 घंटे का ऑक्सीजन है, 4 घंटे का ऑक्सीजन है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा तो हम लोगों की ज्यादा जान बचा पाएंगे, इसीलिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उसका स्वागत हो रहा है। जैसे कि जिशान सिद्दीकी बता रहे थे कि ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है अस्पतालों में। ऐसे में एक बड़ी घोषणा। आशीष, लौट रहे हैं आपके पास। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए एक बार फिर